to fight against BJP. What are the expectations from the DDC elections? देखिए मुझे लगता है कि जो DDC इलेक्शन है आज़ादी के बाद पहली बार हो रहा है और BJP यहाँ के लोगों के विश्वास से इस लिए कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट है कि BJP बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करेगी। आपको मालूम होगा कि अभी इससे पहले जो हिल काउंसिल का इलेक्शन लद्दाख में हुआ 370 के एबॉलिशन के बाद, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से चेयरमैन है, यहाँ पर भी जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। देखिए एक चीज़ मुझे जो लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के विश्वास को कमज़ोर करने के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के में भय और भ्रम पैदा करने के लिए ये गुपकार डिक्लेरेशन जैसा कुछ षड्यंत्र हुआ है, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी कभी हाँ कभी ना वाली बात तो ज़रूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी ही चतुराई की चक्रव्यूह में फंस चुकी है और उसका नतीजा है कि आज वो कभी उनके कोई नेता ना कर देते हैं, कोई हाँ कर देते हैं और फिर इनकी पोजीशन ये हो गई है कि नाना करके प्यार तुम ही से कर बैठे। गुपकार डिक्लेरेशन डायनेस्टिक और डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स का डेथ डिक्लेरेशन साबित होगा। सर ऐसे बहुत से मेंसिपी पॉलिटिशियंस हैं। जी सर, ऐसे बहुत से मेंसिपी पॉलिटिशियंस हैं जो अभी भी जेलों में ही बंद हैं, हालांकि डीडीसी इलेक्शंस की फिर से तैयारियां हो गई हैं। देखिए पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ है, ये बहुत पहले से ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल प्रोसेस इस देश में, इस जम्मू कश्मीर में होना चाहिए था, लेकिन आपको अच्छी तरह मालूम है कि जैसा कि मैंने कहा कि जो खानदानी गुरूर और खानदानी सुरूर में चकनाचूर यहाँ की सियासत रही है, उस सियासतदानों को कभी भी इंडिपेंडेंट और ओपन पॉलिटिकल प्रोसेस पसंद नहीं रहा है और इसलिए जब इंडिपेंडेंट और ओपन पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने की बात हुई तो पहले उन्होंने बायकॉट किया, कहा कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जब तक 370 नहीं वापस होगा। जब उनको लगा कि 370 तो 370 किलोमीटर जमीन की धरती के अंदर घुस चुका है तो उनका नहीं, हम पार्टिसिपेट करेंगे। Sir, why BJP has failed to provide the security to sarpanch and panchas? Now DDC is, they will be appointed, but large number of sarpanch and panchas they have resigned only because of lack of security. So why BJP has failed to provide the security? देखिए जिनको भी सिक्योरिटी की जरूरत है उनको सिक्योरिटी दी जा रही है और भी दी जाएगी। Sir, Umar Abdullah yesterday has आपका आर्गुमेंट था कि यहाँ पे कई सारे लोगों को इससे मुश्किलात हो रही है, जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को लागू नहीं किया जा रहा है, अब दफा 370 अगरचे हट चुका है लेकिन आज भी जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं उनको वहाँ पे उनके जो घर बने हुए हैं उनको हटाया जा रहा है क्योंकि मौसम अभी सर्दी का मौसम आने वाला है। 370 के हटने के साथ जर जंगल जमीन को कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है। जर समझते हैं ना, जंगल समझते हैं ना, जमीन समझते हैं ना, तो जम्मू कश्मीर के जर जंगल जमीन को 100% उनका सेफ गार्ड है और रहेगा और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सर दे आर स्टिल बीइंग फोर्स्ड कि वो इन इलाकों से जाए और वो भी जो एसटीज है वही सिर्फ जंगलों में रह रहे हैं और उनको फॉरेस्ट राइट कोई नहीं जाएगा, जो जिसकी जमीन है वो वही रहेगा। बीजेपी की आइडियोलॉजी है इंक्लूसिव, सुनिए बीजेपी की आइडियोलॉजी बताते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। नहीं, अब ये जो हुआ रिलीजियस मैंने सुना नहीं, रिलीजन की तरफ जा रहा है ना, कोई भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी का रिलीजन ह्यूमैनिटी है, भारतीय जनता पार्टी का रिलीजन नेशनलिज्म है,
भारतीय जनता पार्टी का रिलीजन जो है डेमोक्रेसी है और भारतीय जनता पार्टी का रिलीजन सेकुलरिज्म है। सर, उमर ट्वीटेड दैट द बीजेपी रूलिंग हेयर्स डायरेक्टली दे आर नॉट अलाउइंग द कैंडिडेट्स टू कैंपेन, देयर कैंपेनिंग इज बीइंग स्टॉप्ड। वन इज देयर द अनदर एनकाउंटर दैट वाज रिपोर्टेड टुडे इन जम्मू इन विच फोर जेस्टर्स वर न्यूट्रलाइज्ड। पाकिस्तान ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज कश्मीर ड्यूरिंग द डीडीसी पोल्स, हाउ इज सेंट्रल गवर्नमेंट रिएक्टिंग टू दीस? देखिए, पहली बात यह है कि कोई भी दुनिया की ताकत हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से को डिस्टेबलाइज नहीं कर सकती। नंबर वन, मोदी जी के रहते तो बिल्कुल नहीं कर सकती, चाहे पाकिस्तान हो और चाहे पाकिस्तान का कोई बाप हो। दूसरी चीज जो है कि आज हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग, जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर कंप्लीट कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है और उस कॉन्फिडेंस को हमें मजबूत करना है। कुछ लोग उसको कमज़ोर करने का षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, कांग्रेस भी है, पीडीपी भी है और उनके जो और इस तरह का सिंडिकेट है जिसे कहते हैं गुपकार सिंडिकेट, वो भी है। सर, अमित शाह ने एक इल्जाम लगाया था कल ट्वीट करके परसों, तो उन्होंने कहा कि गुपकार गैंग जो है गैंग मुखातिब किया उनको और कहा कि वो फॉरेन फोर्सेस को प्लीज कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो 180 डिग्री कैसे उन्होंने यू टर्न लिया, क्योंकि यही फोर्सेस कल उनके साथ अलायंस में थी। सर, कोई कमेंट आप है? देखो, एक बात आप समझ लो पहले कि ये जो पार्टियां हैं, जो गुपकार डिक्लेरेशन की पार्टियां हैं, इनके बयान क्या हो रहे हैं आजकल? आजकल बयान उनके हो रहे हैं कि जो है वो गोलियां चलेंगी, बंदूकें चलेंगी, फला चलेंगी, ये हमारे नौजवान ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो इनका जो पीस और प्रॉस्पेरिटी को के फेवर में कभी भी ये नहीं रहे हैं।